नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन्स लेकर हाजिर हूँ। और ये डिजाइन्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चारपाई का आप पार्ट थ्री देख पा रहे हैं। पार्ट वन में मैंने ताना कैसे ताना था उसके बारे में बताया था, और पार्ट टू में ये स्टार्टिंग कैसे करते हैं और ये इस तरह की घुंडी कैसे डालें वो सभी चीज़ मैंने बताया था। और ये पार्ट थ्री देख पा रहे, इसमें आगे डिजाइन्स कैसे बनाएंगे वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि माई के बारे में आपको जानना है तो पर्टिकुलर्स मैंने एक वीडियो बनाया है, माई कैसे गुथी है। वैसे तो माई के बारे में मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं, ये एक प्रकार से दो तीन प्रकार से बनाकर आपको गुथ कर बताइए, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी वीडियोज मिल जाए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय न लेकर सीधे चलते हैं चारपाई पे दोस्तों। ही देखिए, यहाँ पे मैंने दो उठाई, फिर दो दबाई और फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठा लिए, ये फिर दो दबाई और दो रस्सी उठाइए, फिर यहाँ एक दबाई और फिर दो रस्सी उठाइए, फिर दो दबाई और तीन रस्सी ये उठाइए। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस दोस्तों चलेगा, ये इसमें अलग एक डिजाइंस बनेगी, वो पूरी जैसे भूल भुलैया होता है हमारा उसी प्रकार की डिजाइंस दोस्तों बनेगी इसमें। वो पूरी यदि आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो ही ये डिजाइंस आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको डिजाइंस नहीं समझ में आएगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें। अब ये देख लीजिए घुंडी कैसे डालते हैं, क्योंकि यही बहुत से दोस्तों कमेंट आते हैं, यहाँ से लेकर इस प्रकार से डाल देंगे। और ये आपको मैं एक सिंगल घुंडी की अलग बनाकर आपको बता रहा हूँ, यदि आपको डबल घुंडी के बारे में जानना है तो उसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, आप हमारे चैनल पे चारपाई की देख पाएंगे। डबल घुंडी भी सिंगल घुंडी दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं दोस्तों। अब यदि आपको सिंगल घुंडी की अच्छी लग रही है तो सिंगल घुंडी बना सकते हैं, यदि डबल घुंडी की अच्छी लग रही है तो डबल की बना सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है, आपको कौन सी डिजाइंस बनानी है। तो आगे देखिए फिर से दोस्तों, सेम आपको रस्सी डाल देनी है, यहाँ से दो उठाई दो दबाई, फिर आपको यहाँ पे दो उठानी है रस्सी, फिर ये दो रस्सी दबानी, फिर इसमें दो दबाएंगे दो उठाएंगे, फिर आपको सेम रस्सी करेंगे, फिर आपको दो दबा देंगे दो उठा देंगे। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस आपको चेंज करते रहेंगे, इसमें कोई भी रस्सी अलग अलग सीक्वेंस में हमारी रस्सियाँ चलेंगे दोस्तों। कहीं पे दो दबेंगे, कहीं पे एक दबी, कहीं पे तीन दबेंगी, कहीं पे दो उठेंगे, कहीं पे एक उठेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में दोस्तों ये हमारी चारपाई बन पाएगी। तो वही आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सीक्वेंस आपको ध्यान पे रखेंगे तभी आप चारपाई बना पाएंगे दोस्तों। यह हमारी बन गई आगे की रस्सी, और ये चारपाई आप देख पा रहे, इसमें सबसे आसान जो हम गोंडियों का पिलंग बोलते हैं ये आप कभी भी बना सकते हो वैसे। और एक और खटिया है जो 12 महीने में आप कभी भी बना सकते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चौकड़िया की खाट हमारी जो खटिया होती है वो एक ऐसी खटिया होती है जो कभी भी आप बना सकते हैं। 12 महीने में आप कभी भी जब आपका ज़रूरत पड़े तब आप बना सकते हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती। बाकी चारपाई में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन वो चारपाई में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आप चौकड़िया खाट, और सबसे आसान भी है खटिया, सबसे आसान भी है, इसलिए आप चौकड़िया खाट बनाइए, वो सबसे आसान भी। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको देख सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर आगे दो उठाकर एक दबानी है, फिर आपको एक दबा के दो रस्सी उठा लेनी दोस्तों ये। तो इसी प्रकार से हमारा ये सीक्वेंस चलेगा, एक दबा दिया हमने दो रस्सी उठा लिया, फिर आप दो दबाइए यहाँ पे और ये तीन रस्सी उठा लीजिए, फिर दो दबाई दो उठाई, फिर यहाँ एक दबाइए, एक दबा के दो रस्सी उठाइए, और फिर वापस दो रस्सी दबा के ये तीन रस्सी आपको उठानी है, फिर ये दो दबाइए आपको दो रस्सी उठानी है, फिर दोस्तों आपको एक रस्सी दबा कर यहाँ दो रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ दो दबाकर आपको तीन रस्सी उठा लेनी। तो इस प्रकार से वो चलता रहेगा हमारा सीक्वेंस, यही आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जो रस्सी हमारी बच गई वो हम दाब देंगे। और मैं आपको बता रहा था दोस्तों खटिया के बारे में, खटिया में मैंने 5-6 प्रकार की खटिया बनाई आपको,
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी में मैंने डिजाइन सी बताया है और सिंपल भी बताए हैं। तो सबसे आसान डिजाइन है वो हमारी खटिया की दोस्तों चौकड़िया की खाट होती है, वो सबसे आसान है। उसमें खासियत यह है कि कभी भी आप उसको बना सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि 12 महीने के अंदर कभी भी आपका जब आपकी ज़रूरत हो तब आप उसको बना सकते हो। ऐसी एक खटिया है चौकड़िया की दोस्तों, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता। कभी भी आप एनी टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़े 12 महीने में, तो वो आपके ऊपर है, वो कभी भी आप बना सकते हैं दोस्तों। अब फिर आपको यहाँ एक दबाकर तीन रस्सियाँ उठा लेनी है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक खटिया में डिजाइंस भी आप डाल सकते हैं और सिंपल भी, दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपको अच्छी करें चारपाई वो आप बना सकते हैं दोस्तों, वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और फिर आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, चौकड़िया खाट के अलावा फिर आपको 5 खटिया की मिलेगी और 6 खटिया की खाट मिलेगी, फिर आपको 8 खटिया की खाट मिलेगी, फिर आपको 9 खटिया की मिलेगी और 12 खटिया की मिलेगी। इतनी 5-6 प्रकार से आपको खाट देखने को मिलेगी दोस्तों, और सभी खाटों में आप सिंपल देख सकते हैं और डिजाइंस भी देखने को मिलेगी। जो भी आपको अच्छी लगेगी सिंपल, यदि आपकी अच्छी लगती है तो वो बना लीजिए, या फिर आपको डिजाइंस अच्छी लगती है तो डिजाइंस की बना सकते हैं, क्योंकि वो सभी मैंने बनाकर आपको बताई हैं। इसमें सिंपल ही बताई है और डिजाइंस के दोनों की चारपाई आपको बनाकर बताई। वो आप हमारे चैनल पे जाएंगे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोज मिल जाएगी। उसमें डिजाइंस की फूल बनाना है या आपको उसमें लहर बनाना है, वो सभी मिलेंगे आपको, एक से बढ़कर एक आपको डिजाइंस मिलेंगे हमारे चैनल पे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे दबाकर आप और बेल का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल के बटन दबाने से दोस्तों आपको जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये आपको विशेषकर फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे दो रस्सी दबाकर दो हम रस्सी उठा लेते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिक्वेंस का विशेषकर ध्यान रखेंगे, तो वो सभी चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें दो दबाकर फिर मैंने दो रस्सी उठाई है, एक रस्सी उठाई है, फिर दो दबा दी, दो उठा दी, फिर तीन दबा दी, इसी प्रकार से ये अलग अलग सीक्वेंस में लहर का चलेगा आपको इसमें। तो फिर यहाँ पे तीन दबाकर दो रस्सी मैंने उठा दी हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि आप रस्सी नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैं रस्सी भी आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस सेम नहीं आता दोस्तों, इसलिए ये सीक्वेंस इधर उधर चलता रहता है। तो आपको खटिया के बारे में बता रहा था मैं दोस्तों, उन खटिया में आप जो भी खटिया देखेंगे उसमें सिंपल और डिजाइंस दोनों खाट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको सिंपल देखना है तो सिंपल देख लीजिए, यदि आपको डिजाइंस का देखना है तो डिजाइंस की। सबसे ज़्यादा आपको 9 खटिया की और 6 खटिया खाट में डिजाइंस मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी डिजाइंस डाले हैं, और वैसे 5 खटिया खाट में भी, चौकड़िया खाट में भी और 8 खटिया खाट में भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर थोड़ा सा विजिट करेंगे आप, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, और वो भी दोस्तों नई नई आपको चारपाई की डिजाइंस मिलेगी। हर कई चारपाई मैंने एक एक रस्सी के बारे में बताया है, और एक चारपाई में कितने किलो रस्सी लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, क्योंकि बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है कि कितने किलो रस्सी लगती है। ये आप डिजाइंस देख लीजिए ताकि आप आसानी से बना सकें दोस्तों, क्योंकि बहुत से दोस्त बोलते हैं कि आप आगे हाथ लगा देते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये सभी। तो देखिए इसी प्रकार से सीक्वेंस में चलते रहेंगे, इन रस्सियों को थोड़ा थोड़ा सेट भी करते रहिए बीच बीच में। तो उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, वो सभी विशेषकर आपको ध्यान रखना, तभी आप वो डिजाइंस बना पाएंगे। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे मैंने दो रस्सी दबा दिया, फिर दो रस्सी उठाई है, फिर मैंने यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर और दो रस्सी उठाई, फिर दो दबाकर एक रस्सी उठाई। तो कहीं पे आपको दो दबाना है, कहीं इस पर तीन दबेंगे दोस्तों, कहीं आपको एक रस्सी उठानी है, कहीं एक रस्सी दबाना है। और जो मैं आपको ये पिलंग आपको बनकर बता रहा हूँ, ये घोंडियों का पिलंग, इसमें सबसे आसान है लहर की चारपाई दोस्तों। और लहर में मैंने 3 की 4 की 5 की 6 की ये सभी लहर बनाकर आपको बताई है, और लहर के साथ साथ मैंने डिजाइंस ही बताई है। यदि आपको डिजाइंस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि लहर के साथ साथ आपको डिजाइंस भी देखने को मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको डिजाइंस की चाहिए या लहर की चाहिए, या दोनों तरफ आपको लहर बनाना है तो लहर बना लीजिए, यदि उसमें पूरी में फूल बनाने हैं तो फूल बना लीजिए, क्योंकि फूलों के बारे में मैंने पर्टिकुलर बहुत सी चारपाई फूल अलग अलग डिजाइंस के बनाकर दिखाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों।
कि किस प्रकार से फूल बनाए जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे क्या देखना है, कौन सी डिजाइंस आपको सेलेक्ट करना है, वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं आगे, हम दो रस्सी उठा लेते हैं और एक रस्सी ये दबा देते हैं, फिर दो उठाएंगे और एक रस्सी दबा देंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे दो दबाकर आप तीन रस्सी उठाएंगे, ये दो रस्सी दबाकर हमें तीन रस्सी उठा लेंगे। ये थोड़ी रस्सी कट गई है, तो रस्सी का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि रस्सी हमारी नहीं कटनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से सीक्वेंस में ये चलेंगे हम। और भी यदि आपको बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल से नंबर कैसे लिखते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगेगी, दो दो डिजाइन से मैंने नाम लिखना बताया है और तीन तीन डिजाइन से मोबाइल से नंबर बताएं दोस्तों, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिजाइन आपको अच्छी लग रही है या आसान लग रही है, वो सभी बना सकते हैं। एक दोस्तों और बता देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे हम जगह चेक कर लेना, आपको कहीं पीछे तो नहीं रह रहे, अगर आप पीछे रहते हैं तो इस रस्सी से तो यहाँ पे आटा लगा दीजिए। आटा देख कैसे लगाते, एक बार हमने लिया, ये ले लिया, फिर एक बार और लेना आपको, ये ध्यान रखना आपको विशेषकर। कई बार आप चारपाई बनाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो लास्ट में आपको बहुत सी दिक्कत आएगी। अभी रस्सी वापस से खींच लीजिए इस प्रकार से, और ये वापस इस प्रकार से खींच लीजिए दोस्तों, तो इसको थोड़ा सेट कर दीजिए। देखो ये हिस्सा हमारा है, ये आगे चल रहा था, अब यहाँ पे हम पीछे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक आटा लगा देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार लिया हमने, फिर यहाँ भी आपको दो बार ही लेना है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो बहुत से दोस्त हमारे सीधे सीधे लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, ये हमेशा बाहर से रस्सी लेना, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। ये छोटी छोटी बात ही आपको सीखने को मिलेंगे दोस्तों, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना, ये हमेशा बाहर से ही लेना है। अब यहाँ पे एक रस्सी दबाकर आपको तीन रस्सी उठा लेंगे। अब दोस्तों मैं आपके नाम के बारे में बता रहा, तो पर्टिकुलर्स नाम का बहुत सी मेरे पास वीडियो के में कमेंट आते हैं कि नाम में हमें ये बताइए वो बताइए, तो मैं आपसे सभी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं पर्टिकुलर्स किसी का नाम नहीं डालता हूँ, कि जो भी आपने नाम देखा है वो मैं ज़्यादातर ऑर्डर पे ही बनाता हूँ दोस्तों, तो आप भी चाहें तो आप ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना। वीडियो के नीचे आप अंडरलाइंस देखेंगे, उसमें मेरा पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी, जो भी लेटेस्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरा एड्रेस और मोबाइल से नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से देखकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि नज़दीक के हैं, यदि आपको चारपाई नाम की बनवानी है या डिजाइंस की बनवानी है, या फिर आपको हाथी घोड़ा ऊंट मोर तोता मछली ये सभी देखना है, तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप चैनल पे जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे तो वहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो भी थोड़ा सा आपको विजिट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये सभी आपको बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे दो दबा कर दो उठा दी, फिर आपको दो दबा दी मैंने, फिर दो उठाई है, फिर यहाँ पे मैंने दो दबाई और दो उठाई है, फिर मैंने आपको दो दबाई है दोस्तों, यहाँ पे दो दबाकर मैंने दो रस्सी उठा ली। इस प्रकार से सीक्वेंस आपको ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ पे दो दबाई और दो रस्सी उठा ली, फिर यहाँ पे दो दबाई है और दो रस्सी उठाई है, फिर दो दबाई और दो रस्सी उठा लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तभी आप पूरी डिजाइंस को बना पाएंगे। दो दबाकर फिर आपको यहाँ पे दो उठा लेनी है, ये सीक्वेंस आपको बनेगा हमारा। देखो रस्सी का सीक्वेंस चेंज होता रहेगा। और भी यदि आपको डिजाइंस देखना हाथी घोड़ा मोर के अलावा दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने बोतल में चारपाई भरकर आपको पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो एक कला है और कला हमेशा दोस्तों दिखाई जाती है, तो बोतल में चारपाई के बारे में बहुत सी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं दोस्तों, यदि वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको परचेज करना है या नहीं करना है, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों। यदि आपको कोई भी चारपाई चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर मेरे दिए होते हैं उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप पता लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो भी है अवेलेबल्स मेरे पास होगी डिजाइंस में, वो आपको अवेलेबल्स करा दी जाएगी, तो वो सभी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें दोस्तों। इसमें हम दो दबा देते हैं, फिर दो रस्सी हमने उठा लिया दोस्तों, तो दो दबा के दो उठा, सॉरी दोस्तों तीन रस्सी हम उठा लेंगे ये। फिर हमने दो दबाई और दो रस्सी उठा ली, फिर यहाँ पे हमने एक रस्सी उठाएंगे और दो रस्सी दबा देंगे दोस्तों, सॉरी एक दबाकर आपको दो रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ दो दबाएंगे और तीन रस्सी उठा लेंगे, फिर दो दबाएंगे हम और ये दो रस्सी उठा लेंगे दोस्तों, फिर एक दबाकर आपको ये तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबाकर एक रस्सी उठा लेनी। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस हमारा बनेगा दोस्तों, इसी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि और एक बात बता रहा था दोस्तों, मैं आप हमारे चैनल पे जाएंगे, जो डोके होते हैं गांव में, कुच्चा बोल देते हैं, किसी में पोड़ा बोल देते हैं, उनसे मुड्डा बनाना आपको, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उनके बारे में पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप जाएंगे हमारे चैनल पर आप देख पाएंगे। क्योंकि देखने के लिए आपको दोस्तों एक खास बात का ध्यान रखना है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ये सभी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप पूरी डिजाइन को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको ये डिजाइन नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम दो रस्सी उठा लेंगे और दो दबाकर आपको तीन रस्सी उठाएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबाएंगे और दो रस्सी उठा लेंगे, फिर एक रस्सी दबाकर हमें दो रस्सी उठाएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको दो रस्सी दबाकर एक तीन रस्सी उठानी है, फिर दो दबानी और दो रस्सी उठा लेनी है, फिर आपको यहाँ पे एक दबाकर ये तीन रस्सी उठा लेनी है दोस्तों, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है दोस्तों, फिर दो दबाकर आपको यहाँ पे दो दबाकर दो रस्सी उठा लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपका चलेगा और लास्ट में हमारे पास एक रस्सी बचती है, तो एक रस्सी को हम दबा देंगे, तो वो सभी डिजाइंस आप दोस्तों हमारे चैनल पे देख पाएंगे। यदि आपको इसमें पूरी चारपाई में फूल बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में अलग अलग फूल आपको बनाकर बताए हैं, तो वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखो ये इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको स्क्रॉल करता रहिए ताकि सभी रस्सियाँ ये बराबर हो जाएं, तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये बराबर कर देते हैं हम, इस प्रकार से बराबर हो जाएगी। अब आगे डिजाइन कैसी बनेगी दोस्तों, वो मैं आपको पार्ट फोर में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।